नरविंदर सिंह, आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुर गांव विद्यार्थीपुरा थाना बिशवा में अनुसूचित जाति के लोगों पर कुछ उच्च जाति के ठाकुरों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को तोड़ा गया और उनकी पकी हुई फसल को भी उच्च जाति के लोगों द्वारा ट्रैक्टर से जोत दिया गया और गाँव में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि उच्च जाति के लोगों के द्वारा जब उनके घरों और फसलों को बर्बाद किया जा रहा था तो प्रशासन भी वहां पर मौजूद था और उच्च जाति के लोगों को प्रशासन द्वारा रोकने की बजाय उनकी मदद की जा रही थी और गांव वालों का कहना है कि अभी भी उनको डराया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है और घरों को छोड़कर जाने का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए साथियों, ये घटना स्थल ग्राम विद्यार्थीपुरम मौजा जैली जरौली थाना बिछवा जिला मैनपुरी की है। इनकी धान की खेती पकी हुई दबंग ठाकुर व सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर जुतवा दिया हैरो से। 15 बीघा जो कि धान की खेती है, देखिए ये आप लोग किस समाज से हैं? जाटव समाज से हैं। और इनका ये कैसा खेत है आपका? खुद का खेत है हमारा, सब 5 बीघा खुद का खेत है। क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास ये बैनामा भी है। ये देखिए, ये इनका रहा है, इन्होंने ये खेत खरीदा हुआ है। ये रहा इनका आशा देवी के नाम से मेरी फरद भी निकलती है, 577 नंबर। ये है, जब ये धान जुता किसी को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, सोनू चौहान बाकी सिमरई वाले थे और दलवीर सिंह के लड़का मतलब मनोज कुमार थे और एक धारा सिंह से कहते हैं वो भी थे। इन्होंने तहसीलदार थे मतलब जो लोग लेखपाल, इन्होंने सब लोगों ने मेरा मिलकर जितवाया, पुलिस भी साथ थी। हम लोगों ने बहुत मांगी, 10 दिन की मोहलत मांगी कि 10 दिन के अंदर मुझे छूट दे दो, उसके बाद आप जो समझे सो करें, मेरी फसल मुझे ले लेने दो। ये देखिए पूरा पूरा का पूरा खेत, आपकी और कोई समस्या है भाई? हाँ समस्या है, हम लोगों को वो घर से निकालने की, जान से मारने की, घर खसवाने की धमकी देते हैं, कहते यहाँ से भाग जाओ। अच्छा, कौन कौन आया था? ये उपजिला अधिकारी थे, उनका नाम पता नहीं, देवेंद्र सिंह लेखपाल वगैरह पुलिस कर्मी थे साथ में, तहसीलदार वगैरह थे। क्या बताया? ये बताया कि यहाँ से भाग जाओ। जहाँ से आए भाई भाग जाओ, हमारे पास कहीं रहने की जगह नहीं है, हम कहाँ पर जाएं बता, मकान तोड़ देंगे, ये मूर्ति तोड़ देंगे, ये मतलब जो मतलब बिल्डिंग तोड़ देंगे, कुछ नहीं रखेंगे, जहाँ से आए वहीं भाग जाओ, कहाँ पर जाए हमारे को रहने। बाबा साहब को हटा के दूसरी जगह रखने का प्रावधान बनाया उन लोगों ने। अभी सोचने वाली बात यह है कि बहुजन समाज के लोगों के अधिकारों को उच्च जाति के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है और देश को संविधान के अनुसार ना चलाते हुए मनुस्मृति के आधार पर चलाया जा रहा है, क्योंकि ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जिस तरह से आज उच्च जाति के द्वारा बहुजन समाज पर अत्याचार की घटनाएं दिन में दिन बढ़ रही हैं और बहुजन समाज को संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऐसे तमाम मिले हुए अधिकारों को सत्ता में बैठे हुए मनुवादी लोगों द्वारा खत्म किया जा रहा है और इसके खिलाफ अपने आप को बहुजन समाज के नेता कहलाने वाले और लोकसभा राज्यसभा में बैठने वाले नेता बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार और इस मनुवादी व्यवस्था पर क्यों नहीं बोलते हैं, इस पर बहुजन समाज को भी विचार करने की जरूरत है। गांव विद्यार्थीपुरा के लोगों ने MNTV चैनल के जरिए तमाम बहुजन संगठनों से मदद की अपील की है ताकि उनको न्याय मिल सके।